नमस्कार दोस्तों, सिंगल और यूनिक प्लेटफॉर्म के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 30 सितंबर 2018 और 30 सितंबर 2018 के करंट अफेयर्स के प्रश्न हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, सिंगल एंड यूनिक प्लेटफॉर्म टीम वेलकम्स यू इन दिस करंट अफेयर शो। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस दिस बेल आइकन फॉर मोर एजुकेशन रिलेटेड वीडियोज़। टुडे इज 30th September 2018 and we will discuss the current events in this current affairs show. First of all, let's have a look on the history as what happened on this day. On this day in the year 1947, Pakistan and Yemen joined the United Nations. Now, I want to tell you that India joined United Nations in the establishing year of United Nations, that is 1945. आइए अब नजर डालते हैं आज के दिन घटित इतिहास की एक प्रमुख घटना पर। आज ही के दिन सन 1947 में पाकिस्तान और यमन संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य जब इसकी स्थापना हुई थी 1945 में, तभी भारत इसका सदस्य बन गया था। नाउ लेट्स डिस्कस द करंट अफेयर्स क्विज। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्रीज प्रेजिडेंट इज कमिंग ऑन ए 2 डे विजिट टू इंडिया एंड द प्रेजिडेंट ऑफ उज्बेकिस्तान इज कमिंग टू इंडिया ऑन ए 2 डे विजिट एंड द नेम ऑफ द प्रेजिडेंट इज शौकत मिर्जी योयेव। नाउ लेट मी शो यू द मैप ऑफ उज्बेकिस्तान ऑन द मैप ऑफ वर्ल्ड। यू कैन सी द मैप इज हाईलाइटेड विद द ग्रीन कलर। द बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट उज्बेकिस्तान इज, कैपिटल ऑफ उज्बेकिस्तान इज ताशकंद, करेंसी इज उज्बेकिस्तानी सोम एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ उज्बेकिस्तान इज अब्दुल्ला अरिपोव। नाउ लेट्स डिस्कस द सेम क्वेश्चन इन हिंदी। कौन से देश के राष्ट्रपति 2 दिवसीय यात्रा पर आज भारत आ रहे हैं, और ये हैं उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जी योयेव। ये है उज्बेकिस्तान का नक्शा जो विश्व के मानचित्र पर आप हरे रंग से प्रदर्शित देख सकते हैं। उज्बेकिस्तान के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। उज्बेकिस्तान की मुद्रा है उज्बेकिस्तानी सोम और उज्बेकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं अब्दुल्ला अरिपोव। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज डिबेयर्ड विच बैंक फ्रॉम ओपनिंग न्यू ब्रांचेस एंड द बैंक विच हैज बीन डिबेयर्ड इज बंधन बैंक। इट हैज बीन डिबेयर्ड बिकॉज इट हैज नॉट ब्रॉट डाउन इट्स नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी दैट इज NOFHC टू 40%। Now let me give you the basic information about Bandhan Bank. Headquarter of Bandhan Bank is in Kolkata and the MD and CEO and also the founder of this bank is Chandra Shekhar Ghosh. Now in Hindi, Bharatiya Reserve Bank ne kis bank ke aur shakhaen kholne par pratibandh laga diya hai, aur ye bank जिस पर प्रतिबंध लगा है वह है बंधन बैंक। इस पर यह प्रतिबंध इसलिए लगा है क्योंकि इसने नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी में हिस्सेदारी को घटाकर 40% नहीं किया। बंधन बैंक के बारे में, बंधन बैंक का हेडक्वार्टर कलकत्ता में है। बंधन बैंक के संस्थापक एमडी और सीईओ हैं चंद्र शेखर घोष। Now let's discuss question number 3. In collaboration with which Union Railway Minister Piyush Goyal has launched Railway Heritage Digitization Project, and this project has been launched in collaboration with Google Arts and Culture Association. भारतीय रेलवे ने किसके सहयोग से रेलवे के इतिहास से जुड़ी रोचक घटनाओं, धरोहरों व संस्कृति का डिजिटलीकरण किया है, और यह किया है गूगल कला और संस्कृति एसोसिएशन की मदद से। क्वेश्चन नंबर 4। हु हैज बीन अपॉइंटेड इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू चाइना एंड द पर्सन हु हैज बीन अपॉइंटेड इज विक्रम मिश्री एंड ही वाज अर्लियर एन एम्बेसडर टू म्यांमार फ्रॉम इंडिया। नाउ लेट मी गिव यू द बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट चाइना। कैपिटल ऑफ चाइना इज बीजिंग, करेंसी ऑफ चाइना इज रेनमिनबी, प्रेजिडेंट इज जी जिनपिन and the prime minister of China is Li Keqiang. Now in Hindi,
चीन में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और ये नियुक्त किया गया है विक्रम मिश्री को, जो पहले भारत की तरफ से म्यांमार में राजदूत थे। अब आपको चाइना के बारे में, चीन के बारे में सामान्य ज्ञान बताना चाहूँ तो चीन की राजधानी बीजिंग है, चीन की मुद्रा रेनमिनबी है, चीन के राष्ट्रपति सी जिनपिंग हैं और चीन के प्रधानमंत्री हैं ली किकियांग। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5। वेयर हैज़ द इंडियाज फर्स्ट कॉर्न फेस्टिवल बिगन? एंड इट हैज़ बिगन इन द छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। इट इज़ द हाइएस्ट कॉर्न प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। नाउ लेट मी शो यू द मैप ऑफ मध्य प्रदेश ऑन द मैप ऑफ इंडिया। इट हैज़ बीन हाईलाइटेड विद द रेड कलर एंड इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट अकॉर्डिंग टू द एरिया इन आवर कंट्री। नाउ लेट मी गिव यू द बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट मध्य प्रदेश। कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश इज भोपाल। सी एम ऑफ मध्य प्रदेश इज शिवराज सिंह चौहान एंड द गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश इज आनंदी बेन पटेल। नाउ आई वॉन्ट टू ऑल्सो टेल यू दैट द कान्हान टाइगर रिजर्व एंड बांधवगढ़ नेशनल रिजर्व इज इन मध्य प्रदेश ओनली। हिंदी, भारत का पहला कॉर्न फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जा रहा है? और ये किया जा रहा है छिंदवाड़ा जिले में, जो कि मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश का नक्शा आप भारत के नक्शे पर देख सकते हैं, जो लाल रंग से प्रदर्शित किया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। यहाँ पर कान्हा टाइगर रिजर्व और बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में ही स्थित हैं। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6। विच कैंपेन हैज़ बीन लॉन्च अंडर द एजिस ऑफ स्वच्छ भारत मिशन अर्बन इन पार्टनरशिप विद गूगल? एंड द कैंपेन विच हैज़ बीन लॉन्च इज लू रिव्यू। विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन लोकेट पब्लिक टॉयलेट्स ऑन गूगल मैप्स। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत गूगल की साझेदारी के साथ कौन सा अभियान लॉन्च किया गया है? और ये जिसका अभियान का नाम है लू रिव्यू। गूगल मैप पर सार्वजनिक शौचालयों का पता लगाया जा सकेगा इस लू रिव्यू के मदद से। 500 से अधिक शहरों में SBM टॉयलेट के नाम से 30,000 से अधिक टॉयलेट विकसित किए गए हैं जो लू रिव्यू पर होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। नीति आयोग हैज साइंड अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट दैट इज SOI विद हुम टू पायलट ड्रग सप्लाई चेन एंड इट हैज साइंड दिस विद ओरेकल। नाउ लेट मी गिव यू द बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट नीति आयोग। वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग इज डॉक्टर राजीव कुमार। CEO ऑफ नीति आयोग इज अमिताभ कांत। भारतीय नीति आयोग ने किसके साथ आशय के कथन पर हस्ताक्षर पायलट दवा आपूर्ति श्रृंखला के लिए किए हैं? और ये किए हैं ओरेकल के साथ। नीति आयोग के बारे में आपको बताना चाहूँ तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव कुमार और इसके CEO हैं अमिताभ कांत। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8। व्हेन वाज द वर्ल्ड हर्ट डे सेलिब्रेटेड? एंड इट वाज सेलिब्रेटेड ऑन 29 सितंबर। इट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर फॉर रेजिंग अवेयरनेस अबाउट कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस इंक्लूडिंग हार्ट डिजीज एंड स्ट्रोक। इट वाज फर्स्ट टाइम लॉन्च इन 2000 बाय वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन। हाल ही में विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया? और ये मनाया गया 29 सितंबर को। ये हर साल दिल से होने वाली बीमारियों के बारे में लोगों को अवेयर कराने के बाद के लिए मनाया जाता है। इसकी शुरुआत सन 2000 में हुई। अब खेल की दुनिया से एक प्रश्न, वन क्वेश्चन फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स। हु हैज़ वॉन द एशिया कप क्रिकेट 2018 एंड इट हैज़ बीन वॉन बाई इंडिया
इंडिया डिफीटेड इन द फाइनल बांग्लादेश बाय 3 विकेट्स एंड इंडिया हैज़ वॉन दिस मैच दिस एशिया कप टाइटल 7th टाइम एंड द मैन ऑफ द सीरीज इन दिस इवेंट वॉज शिखर धवन। एशिया कप क्रिकेट 2018 का विजेता कौन सा देश रहा है? और ये देश है भारत, जिसने बांग्लादेश को फाइनल में हराया। भारत इस एशिया कप का 7वीं बार विजेता बना है और इसमें मैन ऑफ द सीरीज रहे शिखर धवन। दैट्स ऑल इन दिस करंट अफेयर शो। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। धन्यवाद।